Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो इस मुद्दे को जड़ से उखाड़ सकता है, करण सिंह डोगरा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक एक्शन हीरो विद्युत जामवाल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत जामवाल की लाइफ और लाइफस्टाइल के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं इनकी एज, एजुकेशन, इनकम, हाउस, कार कलेक्शन, गर्लफ्रेंड, फैमिली, हॉबीज और इनकी नेटवर्थ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप विद्युत जामवाल के फैन है तो इस वीडियो को कर दें लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत का रियल नेम विद्युत जामवाल है और निक नेम सिंगू है। प्रोफेशन से एक एक्टर, मार्शल आर्टिस्ट और मॉडल हैं। विद्युत का जन्म 10 दिसंबर 1980 को शालीमार जम्मू एंड कश्मीर में हुआ और 2020 के हिसाब से ये 40 साल के हैं। और अगर बात करें इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में तो इनकी हाइट है 5 फीट 11 इंच और वेट है इनका 75 किलोग्राम। बॉडी मेजरमेंट 44-32-16 है। आई कलर ब्राउन है और हेयर कलर ब्लैक है। नेशनलिटी से एक इंडियन है और रिलीजन से एक हिंदू है। और अब बात करते हैं विद्युत जामवाल की एजुकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी 13 साल तक की पढ़ाई एक आश्रम में की थी और उसके बाद इन्होंने स्कूल की पढ़ाई की है आर्मी पब्लिक स्कूल डगसई हिमाचल प्रदेश से। और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन मार्शल आर्ट्स है। अब बात करते हैं विद्युत जामवाल के करियर के बारे में कि विद्युत जामवाल ने अपने करियर की शुरुआत कहां से की। तो इन्होंने साल 2005 में इंसान फिल्म में एज अ बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया और उसके बाद साल 2011 में तेलुगु फिल्म शक्ति में काम किया था और फिर ये फिल्म ओसरवली में दिखे। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों फिल्मों के एक्टर थे जूनियर एनटीआर। और दोस्तों, इन्होंने इसी साल बॉलीवुड में डेब्यू किया फिल्म फोर्स से, जिसमें इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था और जिसके लिए विद्युत को बेस्ट मेल डेब्यू फिल्म अवार्ड भी मिला था। और ऐसे विद्युत को फिल्म पर फिल्म मिलती चली गई और विद्युत ने ज्यादातर नेगेटिव रोल ही किए हैं। तो फिर साल 2012 में विद्युत ने तमिल में डेब्यू किया फिल्म बिला 2 से। और फिर 2013 में इन्होंने फिल्म की कमांडो, जो की हिट रही। और ऐसे इन्होंने और भी कई सारी फिल्में की और उन फिल्मों के नाम है बुलेट राजा, अनजान, कमांडो 2, बादशाह, जंगल, कमांडो 3। जैसा कि आपको पता है, विद्युत अपने एक्शन से पहचाने जाते हैं और इंडिया में इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है और इनके आने वाली फिल्म खुदा हाफिज है। तो दोस्तों, आपको विद्युत जामवाल की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलवाते हैं आपको इनकी फैमिली से। विद्युत जामवाल की फैमिली में कौन कौन है। तो इनकी फैमिली में इनकी मदर है जिनका नाम है विमला जामवाल और इनके एक सिस्टर भी है। अब बात करें इनकी गर्लफ्रेंड की, तो करंटली इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले ये मोना सिंह को डेट कर रहे थे। अब बात करते हैं विद्युत जामवाल रहते कहां पर है। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत जामवाल का अपना घर जो है वो कश्मीर में है और इसके साथ साथ इनका एक घर मुंबई में भी है, जहां पे इनका एक आलीशान घर है, वहां ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अब देखते हैं इनकी हॉबीज क्या क्या है। दोस्तों, इनकी हॉबीज है वर्किंग आउट, गोइंग टू टेंपल, ट्रैवलिंग एंड वॉचिंग मूवीज। अब बात करते हैं विद्युत जामवाल की फेवरेट थिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनका फेवरेट फूड है बेलपूरी, पानीपुरी और गुलाब जामुन। और अगर फेवरेट एक्टर की बात करें तो रजनीकांत, कमल हसन, सुनील शेट्टी और सलमान खान इनके फेवरेट एक्टर्स हैं। और अगर इनकी फेवरेट एक्ट्रेसेस की बात करें तो हुमा कुरैशी और श्रुति हसन इनकी फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं। अब बात करते हैं इनकी बाइक और कार कलेक्शन के बारे में। तो इनके पास एक कार है जिसका नाम है जैगुआर XJL, जिसकी कीमत है 1.3 करोड़ रुपए। बात करें इनकी बाइक कलेक्शन की, तो इनके पास पहली बाइक है ट्रम्प रॉकेट 3R, जिसकी कीमत है 18 लाख रुपए। और दूसरी बाइक है इनके पास डुकाटी डियाबेल, जिसकी कीमत है 16 लाख रुपए। वही बात करें इनकी सैलरी के बारे में, पर फिल्म कितना चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विद्युत जामवाल एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं 1-2 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, इनकी सैलरी 1-2 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं इनकी नेटवर्थ के। तो इनका नेटवर्थ है 37 करोड़ रुपीज। ये 37 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। तो दोस्तों, ये थी विद्युत जामवाल की लाइफस्टाइल वीडियो। आप भी विद्युत जामवाल के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक, अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।